देख सकते हैं गाइस, काफी ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ पर। अभी बज रहे हैं शाम की 4। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्नली मोल्ली। आज है संडे का दिन तो आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, तो शायद आज जाऊँगी पहाड़ में। तो कहाँ कौन सी पहाड़ में जाऊँगी वो भी डिसाइडेड नहीं है, रास्ते में हम लोग डिसाइड करेंगे कहाँ पर जाना है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर की 12, थोड़ा सा लेट हो गए हम क्योंकि मेरा ड्यूटी था कल, तो ड्यूटी करके मैं आई, फिर फ्रेश होकर रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो अभी निकल रही हूँ पहाड़ के लिए, कौन से पहाड़ में जाऊँगी वो मैं अपडेट कर दूँगी वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉग। तो गाइस, अभी हम लोग रुके हैं थोड़ा खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा खाना खाएंगे क्योंकि सुबह से अभी तक तो कुछ नहीं खाया है, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो कुछ खा लेते हैं, मोमोज़ खाएंगे और चाय पियेंगे क्योंकि पहाड़ पे आए हैं, तो मोमोज़ और चाय से तो बनता है ज़रूर। तो हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी हम लोग जहाँ पर रुके खाना खाने के लिए, वहाँ से कुछ पीछे ऐसे व्यू मिलती है, मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरी नीचे की जो व्यू है वो मिल जाएगी, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है। और शायद आज हम लोग जाएंगे गिद्दा पहाड़, वो दार्जिलिंग में है, मतलब कर्शियंग में है, तो आज हम लोग जाएंगे गिद्दा पहाड़ शायद, अभी तक डिसाइडेड नहीं है, कर्शियंग या फिर गिद्दा पहाड़ दोनों में से कोई एक जगह जाएंगे। तो चलिए पहले कुछ खा लेते, उसके बाद लोगों के साथ बात करते हैं। आगे है गिद्दा पहाड़ में, यहाँ का जो पूरी व्यू है उसके साथ में शेयर करूंगी। तो आइए पहले ऊपर जाते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ के जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो गिद्दा पहाड़ कहाँ है, ये है कर्शियंग में, ऊपर है डाउनहिल जाने का रोड और नीचे है गिद्दा पहाड़। तो अभी हम लोगों का ग्रुप में आने का प्लान था लेकिन प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है और यहाँ पर जो व्यू है वो भी आप देख नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग है यहाँ पर, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा व्यू मिलेगा। और नीचे भी हम लोग जाएंगे, नीचे भी एक व्यू है, वहाँ पर जाकर आप लोगों के साथ वो व्यू भी शेयर करेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ की जो ब्यूटी है ये देख लीजिए। देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरी जो व्यू है वो मिल जाएगा।
वाओ गाइस, लुक एट द प्लेस, इट्स सो ब्यूटीफुल। आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करने हैं गीता पहाड़, और हम लोग नीचे भी जाएंगे क्योंकि वहाँ पर पहाड़ में एक व्यू है और नीचे भी एक व्यू है, वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ की जो व्यू आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा फोटोशूट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा फोटो वोटो खींच लेते हैं, उसके बाद नीचे जाऊँगे, वहाँ की जो व्यू है वो भी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, नीचे भी एक व्यू है, वहाँ पर जाएंगे अभी, तो आपको वहाँ की जो व्यू है वो भी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। आप यहाँ से दूसरी साइड में, मतलब राइट साइड में और एक व्यू मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो रोड है ना, इस रोड में अलग से खूबसूरती है, देख सकते हैं, वाओ। तो यहाँ पर अभी काफ़ी भीड़ है, इसलिए पहले हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ पे थोड़े से हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं, उसके बाद दूसरी साइड पे वहाँ पर भी जाएंगे। ये जो पूरी गिद्दा पहाड़ की जो व्यू है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे अभी। तो देख सकते हैं पूरी जो स्पॉट है, वाओ, लुक एट द स्पॉट गाइस। आप लोग एक बार गिद्दा पहाड़ ज़रूर विजिट करना, मैं जलपाईगुड़ी से आई हूँ गिद्दा पहाड़ में, ये डाउहिल के पास में ही है, आप लोग एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करना। तो मैं पहले यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो खींच लेती हूँ, उसके बाद दूसरी जो साइड है मतलब वहाँ दूसरी जो व्यू है वहाँ पर भी जाऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर देट। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जो व्यू है उस तरफ, क्योंकि अभी वो खाली हो चुकी है। यहाँ से जो व्यू मिलती है ना, सबसे ब्यूटीफुल से यहाँ से व्यू मिलती है। तो आप देख सकते हैं गाइस, काफी ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ पे। आज जो मौसम है काफ़ी ख़राब है, क्योंकि अभी चारों तरफ से फॉग और फॉगी है, आप यहाँ से व्यू नहीं देख पाओगे, और यहाँ पर जो ठंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा तक नहीं रुकेंगे क्योंकि नीचे भी एक व्यू है, वहाँ पर भी जाएंगे। तो पहले यहाँ पर थोड़ी सी रील्स वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद नीचे जाते हुए फिर रोकर नीचे की जो व्यू है वो शेयर करती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि अभी दूसरी भी प्लेसेस विजिट करनी है हमें, तो वहाँ पर नीचे एक पहाड़ की व्यू है, वहाँ पर भी जाएंगे। तो फिलहाल नीचे जा रहे हैं स्कूटी की तरफ, फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ का जो व्यू है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा व्यू है, लोगों आप यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा स्पॉट है। तो फिलहाल हम लोग नीचे जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे गिद्दा पहाड़, मतलब पहाड़ की जो व्यू है वहाँ पर। तो चलिए पहले हम लोग पहाड़ पे जाते हैं, उसके बाद लोगों के साथ में बात करती हूँ। तो यहाँ से ऊपर है गिद्दा पहाड़, और नीचे की जो व्यू है वो कुछ ऐसी है, मतलब हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे की जो व्यू है उस तरफ। तो लुक एट द रोड गाइस, काफ़ी खतरनाक वाली रोड है, मतलब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली रोड है, लेकिन इस रोड में आने की जो मज़ा है ना, वो कुछ अलग ही है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं जो पॉइंट है और एक पहाड़ की उस तरफ, पास में ही है वो, और ऊपर से गिद्दा पहाड़ की जो व्यू पॉइंट है वो, जहाँ पर लोग कम ही आते हैं, क्योंकि ये वाली जो रोड है खतरनाक वाली रोड है, इसलिए यहाँ पर लोग थोड़ी कम आते हैं। लेकिन हम लोग आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को यहाँ की जो व्यू है, जो खूबसूरती है, वो दिखाने के लिए। दोनों तरफ है, जैसे दोनों तरफ है चाय बगान, मतलब चाय की जो गार्डन है वो, और सामने ही है वो पॉइंट, हम लोग लगभग आ ही चुके हैं। सो लुक एट द प्लेस गाइस, वाओ, आ गए।
तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो पूरी गिद्दा पहाड़ की जो व्यू है वो आपको मिल जाएगी। वाओ गाइस, लुक व्हाट अ ब्यूटीफुल सब प्लेस। और यहाँ से ना आपकी जो व्यू मिलेगी ना, और यहाँ से आपकी जो व्यू मिलेगी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा व्यू है। तो आज की जो ट्रिप है हमारी सक्सेसफुल है, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं गिद्दा पहाड़ की जो मेन पॉइंट है उस तरफ। इट्स लाइक अ हेवन, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सा प्लेस। तो अभी हम लोग यहाँ पर ज़्यादा तक नहीं रुकेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और अभी बज रहे हैं शाम की 4, तो नीचे जाना है, जलपाईगुड़ी भी जाना है, इसलिए अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और जाएंगे हम लोग वापस रोंगटोंग के रूट से। वो जो रोंगटोंग की रोड है वहाँ की जो ब्यूटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वहाँ की जो रोड की ब्यूटी है वो लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अब इस वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पर कुछ देर तक रुकती हूँ, फोटो खींचती हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं निकल जाती हूँ, फिर जो रोड की ब्यूटी है वो लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। सो गाइज लुक एट द प्लेस, वॉट अ ब्यूटिफुल सा प्लेस। और देख सकते हैं वहाँ से जो रोड है नीचे की तरफ, वहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे, कितने खतरनाक वाली रोड है। लेकिन इस रोड में राइडिंग करने की अलग ही मज़ा है। तो हम लोग पहले नीचे चले जाते हैं, उसके बाद जो रोंगटोंग की ब्यूटी है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो अभी हम लोग रुके हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से स्पॉट पे, रोंगटोंग से थोड़ा ऊपर है। देख सकते हैं यहाँ से जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर मुझे क्यूट सा एक बहुत ही क्यूट सा फ्रेंड भी मिल गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ की जो ब्यूटी है मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ, देख सकते हैं यहाँ से आपको काफ़ी ब्यूटीफुल सा एक व्यू मिल जाएगी। तो ये जगह मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी इसलिए मैं रुकी हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना खूबसूरत सा एक प्लेस है। फिर हम लोग अभी घर जाएंगे, और इस ब्लॉग में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आज हम लोग गए थे गिद्दा पहाड़ में जो दाऊहिल के पास में ही है, आप एक बार वो प्लेस ज़रूर विजिट करना। और अभी हम लोग घर निकलेंगे, फिर दूसरे संडे एक नए ब्लॉग लेके मैं आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को ज़रूर लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, टिल देन बाय गाइज़।